साई राम, मैं मोनिका साई पूजा चैनल से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं आप सबके समक्ष साई बाबा के चमत्कारिक अनुभव लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं भक्तों के द्वारा साई बाबा के चमत्कारिक अनुभव आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आज का अनुभव बहुत ही सुंदर और बहुत ही चमत्कारिक अनुभव है। यह अनुभव आप पूरा ज़रूर सुनिए। देखिए आंचल जी को कैसे बाबा ने मंदिर दर्शन करने के लिए बुलाया, यह आज का अनुभव आंचल जी का है। यह अनुभव आप पूरा ज़रूर सुने, बहुत ही खूबसूरत अनुभव है। चलिए आज का अनुभव स्टार्ट करते हैं आंचल जी की जुबानी। ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल टीम की मेंबर आंचल आज आप सभी भक्तों के समक्ष एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो एक्सपीरियंस इस तरह से है कि बात कुछ 3-4 महीने पहले की है। तो मैं हर थर्सडे साईं बाबा के मंदिर जाती हूँ, जो कि मेरे घर से 1 किलोमीटर दूरी पर ही है। तो मैं हर थर्सडे अपनी मम्मा के साथ साईं मंदिर जाती हूँ। तो कुछ 3-4 महीने पहले की बात है। तो एक दिन थर्सडे वाले दिन ही बहुत बारिश हो रही थी, तो और यहाँ पे हमारे एरिए पे लाइट भी चली गई थी। एक्चुअली मैं इवनिंग टाइम पे ही जा पाती हूँ मंदिर, मॉर्निंग टाइम में मेरा थोड़ा वर्किंग आवर्स होते हैं, तो इवनिंग टाइम पे ही मेरे को टाइम मिल पाता है। तो मैं इवनिंग में ही मम्मा के साथ जाती हूँ हर थर्सडे। तो उस थर्सडे को कुछ मौसम ख़राब होने की वजह से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पे लाइट्स भी नहीं थी। तो मम्मा ने बोला कि आज रहने देते हैं, क्योंकि लाइट भी नहीं है, बारिश भी बहुत है, और कैसे जा पाएंगे। बिकॉज़ मैं स्कूटी से ही जाती हूँ मम्मा के साथ, तो बहुत इम्पॉसिबल सी लग रही थी सिचुएशन की नहीं जा पाएंगे। तो मेरे मन में थोड़ा सा एक निराशा सी हो गई कि मैं हर थर्सडे जाती हूँ, और ऐसे मतलब मेरा मन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे कि नहीं, मतलब मुझे था कि जाना ही है। तो उस टाइम 6:30 की टाइमिंग थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, 1 घंटे तक अगर बारिश रुक जाएगी तो हम चलेंगे। तो मैं ऐसी सोच के अपना थोड़ा बिजी हो गई। तो इसी बीच में क्या होता है कि मेरे एक कज़न भैया हैं, जो कि मेरे घर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, तो वो भी एक साई डिवोटी हैं। तो उस दिन इनका कॉल आता है कि मतलब मंदिर की टाइमिंग के बारे में उन्होंने पूछा मेरे से, क्योंकि जिस मंदिर में मैं जाती हूँ उस मंदिर में भी उनकी बहुत आस्था है। तो वो मतलब कोविड की वजह से 1-2 साल तक तो वो नहीं आ पाए, लेकिन उस दिन मॉर्निंग से ही उनको था कि इसी मंदिर में उनको आ जाना है जहाँ मैं मंदिर जाती हूँ। तो उनको था कि मतलब आज इस मंदिर में दर्शन करने जाना है। तो उन्होंने मुझसे जनरली पूछा कि क्या टाइमिंग है मंदिर का, किस टाइम पे आरती होती है एंड ऑल। तो मैंने सब कुछ बताया उन्हें। तो मैंने पूछा कि आप लोग कैसे आओगे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग गाड़ी से आएंगे, अपने 4-व्हीलर से। तो मेरे मन में आया कि चलो, बाबा ने मेरे लिए सोच रखा था कि मतलब मुझे मंदिर जाना है, तो इसलिए बाबा ने कैसे भी करके अरेंजमेंट करवा दिया। तो वो 4-व्हीलर से आ रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपके साथ चलूँगी, आप मुझे ले जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे को ले लिया घर से ही, और मैं उनके साथ फिर मंदिर गई। तो मंदिर में भी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। जैसे ही मैं मंदिर में गई, क्योंकि वहाँ पे भी लाइट नहीं थी, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही मंदिर है, तो उसके आसपास का जो एरिया था लाइट नहीं थी वहाँ पे भी। तो मंदिर में भी इन्वर्टर से कुछ लाइट्स थी, तो कहीं कहीं पे लाइट थी और कहीं कहीं पे नहीं थी। तो जहाँ पे मंदिर है उसके पीछे एक द्वारिका माई टाइप का उन्होंने मंदिर में बना हुआ है, जहाँ पे बाबा की धूनी जलती है। तो जहाँ पे धूनी जलती है वहाँ पे बहुत अंधेरा था। मैं उसकी पिक्चर शेयर करूँगी इस वीडियो के लास्ट में,
तो आप देखिएगा। तो वहाँ पे उदी जहाँ जहाँ बाबा की धुनी चलती है तो वो स्थान मानते हैं कि वही उदी हमें वहीं से मिलती है। जो पंडित जी है उसका जो टीका है वो वहीं से लेके हम सब भक्तों को लगाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, वहाँ से मत्था टेकती हूँ और क्या कहते हैं, मैं अपने माथे पे उदी लगा लेती हूँ वहाँ से लेके। तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था तो उस उदी में काफ़ी लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार अगरबत्ती और नारियल ये सब चीज़ें अर्पित करते हैं। तो वहाँ अंधेरा होने के कारण थोड़ा मुझे डर था कि अगर मैं उंगली से उदी लेती हूँ तो कहीं मेरी उंगली ना जल जाए। ऐसी मन में जनरली थॉट्स आते ही हैं, तो इस तरह का थॉट मेरे माइंड में आने लग गया। पर मैंने इस तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो मैंने हल्का सा उंगली टच करके अपने माथे पे उदी लगा ली। और जैसे ही मैंने माथे पे उदी लगाई और उसके बाद जो स्थान है धुनी का उसके बाहर जो टाइल्स लगी हुई हैं जैसे कि आपको पिक्चर में दिख जाएगा, तो वहाँ पे बस मैं माथा ही टेक रही थी अपना। मैंने जैसे ही माथा टेका अपना, अंदर से एक फ्लेम दिखी मुझे। अंदर से एक ऐसा लगा कि किसी ने एकदम से आग जल गई हो। बिल्कुल शांत थी वो जो जब मैं उदी ले रही थी, तो ना ही अंदर कुछ मुझे दिख रहा था, अंधेरा था, बिल्कुल शांत थी। वहाँ पे कोई भी लौ किसी तरह की नहीं थी, कोई जोत किसी टाइप की भी ज्वाला टाइप की मुझे नहीं दिखी। जैसे ही मैंने मत्था टेका एकदम से मुझे ऐसा लगा कि कोई लाइट सी हुई है। तो मैंने आईज खोली तो अंदर देखा कि कुछ अगरबत्तियाँ जो लोगों ने जला रखी थी एकदम से वो जलने लग गई, एकदम से वहाँ पे लाइट होने लग गई। तो बाबा ने कहीं ना कहीं मेरे मन में जो विचार उठ रहे थे कि कहीं मेरी उंगली ना जल जाए या मुझे ढंग से दिख नहीं रहा है, और बाबा ने इसी से मेरे को अपने जो धुनी है उसके दर्शन भी करा दिए, और बाबा ने सुना भी कि मेरे मन में जो चल रहा था उन्होंने वो चीज़ मतलब अपनी एक प्रेजेंस दिखा दी बाबा ने। तो इस तरह से उस दिन का जो डे था मेरे लिए बहुत स्पेशल हुआ। बाबा की ब्लेसिंग्स, बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला। फिर मैंने भैया से गाड़ी में पूछा कि भैया आज आपका कैसे मन कर गया, तो भैया ने बोला पता नहीं सुबह सुबह ही मेरा मन था कि आज इस मंदिर में आना है। तो फिर मैंने भैया को बताया, देखो भैया ऐसा ऐसा मेरा चांस नहीं था और बाबा ने आपको भेजा, और इसी तरह से जो मेरे मन में मनोकामना थी कि मेरे को जाना ही है वो बाबा ने मैं आज पूरी कर दी। तो इसी के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस यहीं ख़त्म करती हूँ। ओम साई राम, जय साई। कितना सुंदर अनुभव, कितना सुंदर, बाबा ने कैसे चमत्कार किया। आपने पूरा अनुभव सुना ना, बाबा ने बिल्कुल सही कहा है, तुम एक कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो जाऊंगा, तुम एक कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। यह बात बिल्कुल सत्य है और यह भजन भी बहुत ही खूबसूरत है। आशा करती हूँ आपको आचल जी का यह अनुभव बहुत ही खूबसूरत लगा होगा। साईं पूजा चैनल को बहुत ढेर सारा प्यार दें, साईं पूजा चैनल पर बने रहें। और लास्ट में मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, आप वह पिक्चर्स ज़रूर देखें। धुनी वाली साईं बाबा की जो धुनी जल रही है उसकी पिक्चर्स मैंने लास्ट में लगाई है, तो आप यह पिक्चर्स ज़रूर देखें और साईं पूजा चैनल पर ऐसे ही बने रहें। बहुत ढेर सारा प्यार दें साईं पूजा चैनल को। ओम साई राम, जय साई राम।